सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सोलेनोइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने एम्पियर्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था, बायो सावर्त लॉ की बात करी थी, एम्पियर्स लॉ की बात करी थी, गॉस लॉ की बात करी थी, उनको कोरिलेट किया था कि कैसे ये वर्क करते हैं। आज जो सोलेनोइड का काम है उसमें हम किसी भी, मान लेते हैं किसी कील की बात करते हैं, नेल जो होती है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कॉपर वायर को लपेट देंगे। तो उस कॉपर वायर से क्या करेंगे, हम एक मैग्नेटिक फील्ड, आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं और ऐसा बोलना सही भी है। तो उसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है ये भी फाइंड करेंगे, और उससे जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, मतलब हम बी की बात कर सकते हैं, उसको वैल्यू को फाइंड करेंगे बिहाफ ऑफ एम्पियर्स लो, ठीक है, या एसीएल एम्पियर करंट लो को बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज की चर्चा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जैसा दिल करता है वैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हम आपको पूरी हेल्प कर सकें। स्टार्ट करते हैं जी, कुछ थ्योरी के साथ हमेशा ध्यान करते हैं ताकि हमें कुछ चीजें समझ आ सके। तो सोलेनोइड होता क्या है, एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटर ले लेते हैं, ट्यूब, सम टर्न्स ऑफ कॉपर वायर आर वुंड या बाउंड, जो भी बोलते हैं उसको, वुंड बोलते हैं वैसे तो, ऊपर लपेटना बोलते हैं इसको, और इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनोइड। मान लेते हैं कि ये मान लो एक कंडक्टर इंसुलेटर की बात करते हैं, इसके ऊपर हम इतने ज्यादा कॉपर वायर्स के टर्न्स डाल देते हैं कि इसका जो नीचे का सिरा है वो दिखता ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और वो बहुत साथ में चिपके होते हैं। तो एक्चुअली वो कॉपर वायर जो होती है वो किसी भी इंसुलेटर के ऊपर, सिलेंड्रिकल शेप की बात करते हैं तो उसके ऊपर लपेट दिया जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इस टर्न सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। वापिस एक बार बात कर लेते हैं, व्हेन ऑन द सिलेंडर इंसुलेटर ट्यूब सम टर्न्स ऑफ कॉपर वायर आर वुंड और इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनोइड। सेकंड बात करते हैं, इस टर्न सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। अब ये बात तो हमने चर्चा कर ली है, अब इस चर्चा को हम थोड़ा सा ज्यादा इसको समझते हैं कि कैसे सोलेनोइड को हम बना सकते हैं और कैसे काम करता है। सिलेंड्रिकल की बात करी है तो सिलेंड्रिकल के बारे में हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम भी बनाएंगे जी। स्टार्ट करते हैं जी, मान लेते हैं जी इस टाइप का एक सिलेंडर है, ठीक है, हाँ इसको बराबर ले लेते हैं, इस टाइप का कोई सिलेंडर है। अब इसमें हमें टर्न्स डालने हैं, टर्न्स, तो ये टर्न्स ऐसे डालेंगे, ये टर्न ऐसे डालेंगे, ठीक है। ये आपको बताया गया है, इसकी जो ऐसा बोल सकते हैं कि वे बताया गया है, इसका वे जो है हम इसको ऊपर डालेंगे, ठीक है, मतलब इसको ऐसे रखो, ये क्या है, अपर डायरेक्शन की बात कर रहा है और यहां करंट क्या है, पास आउट, आउट आउट आउटवर्ड की बात, ठीक है। इतनी बात हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, अब ये क्या है, करंट इस टाइप से हम बात करेंगे, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, हमने इस टर्न से बात कर ली है, अब इसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखना जी, सोलेनोइड के लिए हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इसका जो एक्सिस है यहां पर वैल्यू की बात फाइंड करने की है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, इस एक्सिस की बात करते हैं, इस एक्सिस पे हम बात करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें फर्क आता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम इस सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में हमने वैल्यू फाइंड की है म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर। इस टर्न के लिए तो हम बता सकते हैं कि सेंटर की बात कर रहे हैं तो टू आर निकाल सकते हैं, हमने बीसीएल के अकॉर्डिंग किया था, बायो सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग किया हुआ है। बट
अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि साथ वाला टर्न, इसके साथ वाला टर्न, इसके साथ वाला टर्न फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? कुछ उसमें वो वैल्यू नहीं आएगी, उसकी वैल्यू में कुछ चेंज आएगा। उस वैल्यू में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो उस चेंज के लिए हमने क्या किया, इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है, जो हम बात कर रहे हैं एक्सिस की, इस पे अगर हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, इस इनफिनाइट सोलेनोइड की जब बात करते हैं तो इस सोलेनोइड के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो बाहर की साइड जो वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड की बाहर की साइड जहां वैल्यू जो होगी, वो वैल्यू हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल या जीरो, ड्यू टू अंदर के लिए जो अंदर होता है। मतलब इसके लिए जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अंदर जो वैल्यू है वो बाहर की कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, तो उसको हम जीरो मान लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इन आउटर सरफेस द मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो बाहर में लेते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, हम इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। क्लियर है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसका एक सिंपल डायग्राम बना के देखते हैं जिसको हम थोड़ा समझ सकते हैं। इसको मैं अगर इरेज कर देता हूं तो मैं इसके नीचे ही वो डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, जिसके अंदर हम एक क्या लेंगे, एक बताते हैं, पैरेलल ले लेंगे, क्या लेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप का लेंगे। तो ये क्या है, इसके इनर की बात करेगा, थोड़ा बता देते हैं इसको कैसे इनर की बात करेगा, और ये मैग्नेटिक इनर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा, और ये किसकी बात करेगा, आउटर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा, ठीक है। सॉरी, ये आउटर की बात करेगा, सॉरी, ये इनर की बात करेगा, थोड़ा आउटर की बात करेगा। चलो, इस तरह से हमने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि हम एक इस टाइप से रेक्टेंगुलर, या अलग है थोड़ा सा ना, इसको अलग करना, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का मतलब, वेट कीजिए, ठीक है, इसको हमने बनाया, इसको हमने बोला दिस इज पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। अब इसने करंट इस तरह से डिचू, ठीक है। अब इसने क्या किया, करंट इस तरह से पास आउट कर दिया, मतलब ऐसे पास आउट कर दिया। अब हमारा दिमाग जो काम करने वाला है, इसके लिए हमने क्या लगाना है, एसीएल लगाना है, एम्पीयर करंट लूप लगाना है। उसके लिए हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो करंट है जो बाहर की ओर जा रहा है, इस करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्या होगी, जीरो। इसके लिए क्या होगी जीरो, और इसके लिए तो ये तो बाहर है, इसके लिए जीरो। अब बचा कौन, जीरो PQ बचा है, जो करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो हम क्या लिखेंगे, मैं अब अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स लॉ लगाएंगे तो क्या लेंगे, बी डॉट डी एल। अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, डी एल है, ठीक है, और इसमें क्या है, आई करंट फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट आई की बात करते हैं, ठीक है। अब किसके लिए, पूरे क्या होगा, रेक्टेंगुलर जो होगा हमारा, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो बी डी एल फर्स्ट जो बात करेगा हमारा, वो किसकी बात करेगा, पी क्यू की बात करेगा। सेकंड जो बात करेगा हमारा बी डी एल, किसके लिए बात करेगा, वो हमारा बात करेगा क्यू आर के लिए, चार वैल्यूज लेंगे ना। थर्ड जो बी डी एल बात करेगा, वो किसकी बात करेगा, आर एस की बात करेगा। और फोर्थ जो बी डी एल बात करेगा हमारा, वो किसकी बात करेगा, एस पी की बात करेगा, और बराबर में क्या आएगा, म्यू जीरो करंट ऑफ आई बात करेगा। अब एक बात ध्यान रखना जी, जो आप बात वैल्यू फाइंड करते हैं, इसके लिए हम क्या बात करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं, पी से क्यू तक, इसकी वैल्यू लिखेंगे क्यू से आर तक, इसकी लिमिट लगा सकते हैं, ये लिखेंगे आर से एस तक, और ये क्या आएगा, एस से पी तक, ये भी लिख सकते हो। मतलब इस लिमिट तक हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारा क्या है, सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके लिए एंगल की वैल्यू कितनी है, जीरो डिग्री।
और बाकियों के लिए क्या आएगा 90 डिग्री। तो इसके लिए और एक आउटर की बात कर सकते हैं, आउटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये आपको ऊपर ही बात बता चुके थे हम कि आउटर के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री होगी। और इनर के लिए जो बात करें वो वैल्यू क्या होगी, कुछ होगी, मतलब कुछ वैल्यू होगी। अब देखो, अब पी क्यू के अलावा क्यू आर की बात करेंगे, करंट इसकी बात करेंगे, आर एस की, और ये क्या है, तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो बी डॉट डी एल P से Q, बाकियों में क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I, ठीक है। अभी इसमें कुछ लोचा है वो करेंगे, सेट करेंगे कैसे वो बताएंगे आपको। तो DL के लिए हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, DL के लिए P से Q तक कितनी वैल्यू है, L ही है, हमने L दी हुई है, हाँ L है जी, L है, तो L आ जाएगी। तो जो आएगा बी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I। अच्छा, ये बी एल को हमने लिख लिया, तो B की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट I अपॉन L। क्या ये L सही है या सही नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है। यहां तक करते हैं, इसको इरेज करते हैं, वापस बताते हैं थोड़ा सा। ये DL की वैल्यू तो हमने L ले ली, हो जाएगा म्यू जीरो I। अब ये I जो है वो किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ जो टर्न्स हमने लिए हैं वो क्या है, जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है वो कैसे बात करेगा। तो ऐसे लिखेंगे, इसको उतार लीजिए अगर उतार सकते हैं, तो यहां लिखता हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू क्या आएगी, एन अपॉन एल। यहां तक बढ़िया बात कर ली। अच्छा, अभी हम करंट इसमें कितना पास आउट कर रहे हैं, आई की बात करेंगे तो क्या आएगा, म्यू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, करंट एन की बात कर रहा है तो आई के लिए क्या बोलेंगे, आई के लिए पूरे करंट के लिए बोलेंगे एन अपॉन एल इंटू आई, ये पूरे की बात करेगा, ठीक है, ये पूरे की क्या करेगा, बात करेगा। तो इसके लिए आप वैल्यू पुट करनी है, यहां तक उतारिए फिर इरेज करते हैं जी, जल्दी उतारिए, उतार लिया, चलो इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसके लिए हमने कितनी वैल्यू ली है, इसके लिए हमने वैल्यू ली है एन अपॉन एल। अच्छा, वापिस ये चीज लिखते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, ऊपर लिखते हैं, अच्छा इसको यही लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहा है वो कितने की बात कर रहा है, अच्छा इसको एल कैपिटल एल, सॉरी नोट के लिए कैपिटल एल, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, बिकॉज एल लेंथ की बात जो कर रहा है। तो हम बात करेंगे बी डी एल के लिए क्या लिखा था, एल लिया था। अब जो म्यू नॉट आई के लिए बात करेंगे, कितनी बात करेंगे, आई के लिए बात करेंगे म्यू नॉट इंटू एन अपॉन कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू करंट, कितना पास आउट कर रहा है, एल कर रहा है। ऐसा नहीं समझना चाह रहे तो ऐसा समझ लो कि एन लेंथ की सोलेनोइड है, उसमें आई करंट पास कर रहा है, तो कितना होगा, कितना करेगा, एन आई करेगा। तो अगर इसको एन आई लिखेंगे, कितनी लेंथ की बात कर रहा है, एल लेंथ की बात कर रहा है, एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी बी एन अपॉन एल इंटू आई। बट n अपॉन l की वैल्यू एक्चुअली है क्या, स्मॉल n की बात करी हुई है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू जीरो n i। तो आपको अगर ये सीधा डायरेक्ट आपको बताता तो आपको प्रॉब्लम आता, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा घुमा के बताया है। ये जो हमने l लिया था स्मॉल l, वो इसमें क्या किया था, वो मैंने स्मॉल l उस लेंथ को देख के लिया था, बट हम बड़ी सॉलिड की बात कर रहे हैं तो उसमें लेंथ क्या आएगी, कैपिटल l आएगी, क्योंकि हमने फाइनाइट नहीं ली, इनफाइनाइट ली है, उसके लिए हमने कितनी लेंथ मानी है, l लेंथ मानी है, तो उसके लिए बात कर सकते हो n अपॉन l। तो हम पर यूनिट की बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, तो कैपिटल एन से ही डिवाइड करते हैं। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी सोलेनोइड के लिए वो कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके एक्चुअली क्या केस बनते जाते हैं, केस कैसे बनते हैं, केस फर्स्ट में क्या आएगा, अगर हमें फाइनाइट सोलेनोइड दिया जाए, एंड ऑफ द सोलेनोइड दिया जाए, या इनफाइनाइट सोलेनोइड दिया जाए, तो तीनों के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज को बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम उसकी बात करते हैं, उतारना चाहो तो उतार सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी फाइनाइट और इसकी केसेस की बात करेंगे, ठीक है, उतार लिया। अच्छा, उतार, सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारा केस फर्स्ट बनता है वो बनता है फाइनाइट सोलेनोइड की बात करेंगे। मान लेते हैं ये फाइनाइट सोलेनोइड है, तो इसके लिए हम वैल्यूज ये बात करेंगे, इसका एक ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है। वैसे तो हमने BCL में किया हुआ है, हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करी थी, जब उसमें वैल्यूज को हमने क्या किया था, फाइंड किया था।
मान लो ये एक्सेस पे है, हमने किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के लिए क्या करेंगे, मान लो ये एंगल अल्फा लेते हैं और ये एंगल बीटा लेते हैं, तो ये एंगल अल्फा ले रहे हैं, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करनी है इस एक्सेस की बात जो कर रहा है, तो क्या लिखोगे, म्यू जीरो एन आई अपॉन में टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, BCL में हमने इसके बारे में बात करी हुई है, जब आपको इन्फिनिटी वायर की बात करी थी उसमें हमने आपको वैल्यू फाइंड करके दिखाई थी, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के लिए एक वायर ली थी, उससे थीटा एंगल दो बनाए थे, याद है, टू अल्फा और थीटा के लिए, ये आपको फाइनाइट सॉलिनॉइड की बात कराएगा, याद रखना। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और ध्यान रखा जाए कि इस पे न्यूमेरिकल पूछने के बजाय जो आइडियल सॉलिनॉइड होती है इनफाइनाइट लेंथ की होती है उससे पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसकी वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट अगर मान लो सेकंड हम केस लेते हैं, इनफाइनाइट केस सेकंड जो लेंगे वो लेंगे इनफाइनाइट सॉलेनॉइड की बात करते हैं जब हम, तो इनफाइनाइट सॉलेनॉइड की जब बात करेंगे तो उसमें वैल्यू क्या निकालते हैं, उसमें वैल्यू सीधा निकालो ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसमें कितनी आ जाएगी, पाई बाई टू आ जाएगी, तो पाई बाई टू आ जाएगी, तो 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 2, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू जीरो एन आई 2 अपॉन में 2, खचक खचक काटा कितना आ जाएगा, म्यू जीरो एन आई वैल्यू आ जाएगी, इसके लिए इनफाइनाइट के लिए, तो दोनों के लिए इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट के लिए एंगल क्या बनेगा, दोनों साइड 90 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 बनेगा, तो 90 के लिए हमने पाई बाई टू ले ली। अब थर्ड जो केस बनता है, थर्ड केस जो बनेगा, अच्छा केस है ये वाला, इंपॉर्टेंट भी है, थर्ड जो केस है, इन द एंड ऑफ सॉलेनोइड, किसी एंड पे पड़ा है, मान लेते हैं इस सॉलेनोइड, बता देता हूं थोड़ा सा, इस सॉलेनोइड के एंड पे रख दो, यहां मान लो ये जो सॉलेनोइड है इसके हमने क्या रख दिया, एंड पे रख दिया, इस साइड रख दिया, तो इस साइड जब रख देंगे इससे मर जाएगा, इसमें क्रॉस कर देना, ठीक है, तो यहाँ पर तो वैल्यू क्या बनेगी, 0 degree, और यहाँ पे एंड पे रखेंगे, सॉरी तो बीटा एंगल रखेंगे वो कितना आएगा, 90 degree, तो एक्सिस के लिए इसके लिए तो क्या आएगा, 0 degree, मतलब जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 degree, और बीटा के लिए वैल्यू कितनी आएगी, 90 या पाई बाई 2 आएगी, तो इसके लिए एंड के लिए जो वैल्यू आएगी, केस जो हमारा थर्ड बनेगा उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, कॉस साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 आ जाएगी, तो एंड के लिए जो एंड पे होगा उसके लिए हमारा वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन में 2, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है, एंड ऑफ द सॉलेनोइड के लिए, एक्सिस ऑफ द एंड ऑफ द सॉलेनोइड के लिए वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट हमारी जो वैल्यू आई है, दिनों को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए, फर्स्ट फाइनाइट के लिए हमारी कितनी आई है, म्यू जीरो एन आई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दूसरे के लिए क्या आई है, बी म्यू जीरो एन आई वैल्यू आई है, थर्ड के लिए क्या आई है, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आई है, तीनों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उतारना चाह रहे हैं तो उतार सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। इन दोनों के आपको एक छोटे छोटे ग्राफ भी बता देता हूँ, ग्राफ कैसे बनते हैं, उससे पहले आप इसको एक सेकंड में स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके प्रॉब्लम ना आए जी, ठीक है जी, इरेज कर रहे हैं। फर्स्ट बनाएंगे फाइनाइट के लिए, फाइनाइट के लिए एक्सेस बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, अरे ठीक है, ये फाइनाइट के लिए बनाएंगे, और इनफाइनाइट के लिए जो बनेगा ग्राफ, इस साइड बना रहा हूं जी, इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट ग्राफ जो बनेगा वो बिल्कुल सिंपल बनेगा, वो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से थोड़ा स्ट्रेट जाके थोड़ा स्ट्रेट डलता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट के लिए बन जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, म्यू जीरो एन आई आज वैल्यू आ जाएगी, इस एक्सिस की बात करेंगे, म्यू जीरो एन आई अपॉन कितना आ जाएगा, 2 की बात करेगा, ठीक है, और उसकी बात हमने क्या कह थी, इस पॉइंट के लिए अगर बात करेगा तो माइनस एल बाई 2, इस पॉइंट के लिए बात करेगा तो प्लस एल बाई 2, उतार सकते हैं जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं जी, इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं जी, चलो ठीक है, ठीक है, इसको अरेंज कर रहे हैं,
चलो लेक्चर आज यहीं पर समाप्त करेंगे और आपसे मिलते हैं कल फिर। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें, सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे और आगे साथ आपके साथ हम भी बढ़ते रहेंगे। यही दुआ है और यही कामना आपसे हमेशा करते रहेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।